हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो कल के दिन ट्रेडिंग सेशन है उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर। अब ये 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे अगर मैं समझ लो नीचे से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो फिबोनाची का लेवल हमें निकल के आता है क्लियरली ये। अब निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस होगा 15,640 का। 15,640 पे ये सपोर्ट लेगा। कल गैप डाउन खुलता है, कल गैप डाउन खुलता है तो कल गैप डाउन पे हमें क्या बाय करना है? तो नहीं, सबसे पहले ये हम एक समझ लो ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अभी ये इस प्रकार से बनाई तो निफ्टी में हमें कहाँ तेजी करनी है? तो निफ्टी में हमें तेजी करनी है 15,800 के ऊपर। जैसे ही निफ्टी 15,800 के ऊपर जाएगा तब हम निफ्टी में कॉल साइड जाएंगे, तब तक हमें कॉल साइड जाना नहीं है। जैसे ही 15,800 के ऊपर जाएगा वहां से हम 50 रुपीज नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम 1:2 के रेशियो में हम चलेंगे। तो निफ्टी का टारगेट ऊपर हम रखेंगे, पहला रेजिस्टेंस 15,900 के आसपास, और फिर ये देखो 15,924 के आसपास ये अगर ब्रेक करता है तो 16,000 तक के हम इसमें निफ्टी में टारगेट रखेंगे। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे। और निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ होगा? 15,640 ये है निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और एज पर फिबोनाची आप देख सकते हो यहाँ 38.2% का रिजेक्शन है। ये आपने अगर देख लिया तो देखो यहाँ पे भी निफ्टी ऊपर गया, फिर इसे टेस्ट किया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल एक्ट करेगा एज पर फिबोनाची। और ये हो गया निफ्टी पे एनालिसिस। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है? बैंक निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है। ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट मिला है। तो अब इसमें क्या करना है? बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे? बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हम रखेंगे 33,400। 33,400 पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए। और सेम जैसे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था निफ्टी के लिए, वैसे अगर हम बैंक निफ्टी के लिए ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि क्लियरली बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट करेगा। 33,400 के पास जितना मिले उतना हम बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे। ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,900 का, हमारा पहला टारगेट होगा। तो हम 900 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में इन द मनी कॉल लेके चल सकते हैं। पर कब बैंक निफ्टी में बाइंग कब करना है? ये जो एक रेजिस्टेंस पे खड़ा, देखो ये क्लोजिंग, देखो यहाँ की क्लोजिंग, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग सेम लेवल पे होती है। यहाँ ऊपर अगर गैप अप खुलता है कुछ ये लेवल पे तो इसे हम एक बार रीटेस्ट होने देंगे और रीटेस्ट पे खरीदी करेंगे हम। फिर हम यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे भी हमें सेम कैलकुलेशन यूज करना है 1:2 का, और 38.2% का रिजेक्शन है 33,437 पे रिजेक्शन है। हमारा स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, 33,400 का स्टॉप लॉस होगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है और बिल्कुल यही लेवल के हिसाब से जो डेटा बना है ऑप्शन चेन एनालिसिस वो बनी है। तो ये सब फिगर्स आपको याद रख के कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी मुझे मुझे अभी यहाँ से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो प्रोबेबली मैं कल बैंक निफ्टी में ही काम करूँगा।